नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। देखिए, निर्यात की रिपोर्ट तो देंगे ही देंगे, लेकिन बहुत सारे कॉल इस तरीके के आने लगे कि भाई प्याज अभी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, प्याज में तेज़ी है या फिर तेज़ी नहीं है। इनके ऊपर जो है कॉल मैसेज वगैरह कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ में आपको निर्यात की रिपोर्ट भी दे देंगे कि निर्यात में क्या चल रहा है, कितना निर्यात हुआ है, चाहे प्याज हो, लहसुन हो, अदरक हो या फिर लाल मिर्च या हल्दी हो, तो उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे दोस्तों और किसान भाइयों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, आप प्याज की तेज़ी मंदी के लिए आप रेगुलर मेरे से पूछते रहते हैं कि प्याज में क्या आगे करें क्या ना करें, जो आप मैसेज करना या फिर कॉल करना, ये सभी आप लोग करते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। देखिए, बॉर्डर बंद हुआ, जिससे भी आप लोग थोड़ा डर गए होंगे कि भाई बॉर्डर बंद हो गया, प्याज निर्यात होगा कि नहीं होगा। लेकिन देखिए, बांग्लादेश जो है ज़्यादा समय तक जो कभी भी रुक नहीं पाता है, कुछ ही दिनों के लिए किंतु परंतु हो सकती है, लेकिन निर्यात जो है वापस चालू हो जाता है। बाकी देखिए, गवर्नमेंट की बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट की बात ना हो तो प्याज आपको पता है सबसे ज़्यादा भारत से जो है अपने बांग्लादेश ही जाता है। अब बात इसकी करते हैं कि भैया प्याज को रोकें या फिर ना रोकें। तो देखिए, मैंने शायद 20-25 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जब मैंने आपको बोला था कि प्याज में डोमेस्टिक के अंदर डिमांड आने से भी तेज़ी आएगी। ऐसा नहीं है कि निर्यात होने पर ही आपको तेज़ी मिलेगी या निर्यात होगा तभी आपको तेज़ी मिलेगी। डोमेस्टिक डिमांड से भी जो है प्याज की गतिविधि को रुख मिलता है और तेज़ी की तरफ ये हमेशा भागता है। प्रेजेंट टाइम का महीना जो है, इसके अंदर आपको इतना ज़बरदस्त तेज़ी आपको दिखाई नहीं देगी, कुछ दिनों तक, पूरे महीने तक नहीं, यूँ समझ सकते हैं 20-25 तारीख तक जो है आपको इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई नहीं देगी। लेकिन उसके बाद में हो सकता है 20 के बाद में भी आपको तेज़ी दिखाई लगने लगे इसके अंदर, या तेज़ी आनी चालू हो जाए, क्योंकि निर्यात की डिमांड तो आपको पता ही है कि कंटिन्यू तेज़ है और अभी भी तेज़ है और आगे भी तेज़ रहने की आशा ही है, और आशा भी यही करते हैं कि आगे ये तेज़ रहे। तो देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ एक ही निकलती है, रोक सकते हैं रोकिए, या जो हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि थोड़ा थोड़ा बेनिफिट जो है हर तरीके का, चाहे वो ज़्यादा का हो या कम का हो, मतलब तेज़ी का आनंद सारा लीजिए, चाहे नीचे से ऊपर तक का हो, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा जो कंटिन्यू आप बेचते रहेंगे तो आपको अफसोस नहीं होगा कि नीचे के भाव में मैंने नहीं बेचा या ऊपर के भाव में नहीं बेचा। तो मतलब रोक सकें तो रोकें, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके माल अपना निकालते जाएं। ये मेरी थोड़ी सी जानकारी है, बाकी काम जो है आप अपने विचार से कर सकते हैं, जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जिससे कि आप अपना कोई जितना हो सके उतना बेनिफिट जो है आप अपना उठा पाएँ, उस बेनिफिट से आपको फ़ायदा मिलता रहे। इसीलिए बोल रहा हूँ, कुछ समय के लिए रुकें या फिर आप सभी तरह के बेनिफिट्स आप लेते चलें, हर तरह की तेज़ी का आनंद लेते चलें, क्योंकि आगे इसके अंदर आपको तेज़ी ज़रूर दिखाई देगी। बाकी आपका विचार है, आप अपने विचार से काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निर्यात की। तो देखिए, प्याज के निर्यात में थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई देने लगी है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्त निर्यात हो रहा है। साथ में अगर हरी मिर्च की बात करें तो हरी मिर्च में थोड़ी सी तेज़ी अपने को दिखाई दे रही है। तो स्टार्ट करते हैं कि भैया कौन सा माल कितना गया है, उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो प्याज की अगर बात करते हैं तो 21 ट्रक जो है निर्यात हुए हैं। अदरक और लहसुन की बात करते हैं तो वो पहले भी जीरो थे और आज भी जो है बिल्कुल जीरो हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे जल्दी ही जो है लहसुन और अदरक जो है जल्दी ही चालू हो। हरी मिर्च की अगर बात करते हैं तो उसमें वापस जो है तेज़ी दिखाई देने लगी है। हरी मिर्च की अगर बात करते हैं तो 19 ट्रक जो है हरी मिर्च के जो है निर्यात हुए हैं, मतलब आशा है कि आगे ये क्वांटिटी बढ़ेगी। अब लाल मिर्च की अगर बात करते हैं तो लाल मिर्च में जो है गिरावट देखने को मिल रही है, ज़्यादा तेज़ी इसमें दिखाई नहीं दे रही। बीच में जो है ये मध्यंतर, मतलब बिल्कुल बीच के अंदर चल रही थी, ना तो ज़्यादा तेज़ी में और ना ही ज़्यादा मंदी में। लेकिन अभी की बात करते हैं तो अभी सिर्फ 11 ट्रक जो है लाल मिर्च के गए हैं। हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी में आज तो कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त गिरावट है, कल के मुकाबले में 8 ट्रक जो है इसमें कम है, मतलब ज़्यादा ही नीचे की साइड गई है। आज की अगर बात करते हैं तो हल्दी के सिर्फ 2 ट्रक जो हैं निर्यात हुए हैं। तो दोस्तों और किसान भाइयों, ये थी निर्यात की रिपोर्ट आज की। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।